तो गाइस इंडियन बैग ड्रोन 3D गेम में आ चुका ज्वाइंट खूंखार मॉन्स्टर जो कि बिल्डिंगें तोड़ रहा है, तबाही मचा रहा है गाइस। और तो और भाई जितने भी इस शहर में मासूम लोग हैं उनको मार के खा जा रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे सिटी को बर्बाद कर देगा। और आपको क्या लगता है, क्या फ्रैंकलिन इससे मुकाबला कर पाएगा या नहीं? आ जाओ देखते हैं। तो ओके गाइस, सुबह हो चुकी है। मैं रात में जैसे तैसे करके इस अपने सिटी में आ गया था। और उधर तो गाइस सुबह हो चुकी है। ओ मॉन्स्टर पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। मैं जैसे तैसे करके मैं अपने ये घर पे आ चुका हूँ। मेरे साथ और भी लोग आए थे गाइस, और वो मॉन्स्टर अभी तक मेरे घर तक नहीं पहुँचा है। अगर वो पहुँच जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस। उस सिटी में जितने बचे हुए लोग थे गाइस वो इस सिटी में रह रहे हैं। अगर वो मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाएगा तो जितने भी बचे हुए लोग हैं सबको मारकर खा जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस फ्रैंकलिन के दोस्त से मिलने, जो कि बहुत बड़ा पहले साइंटिस्ट था, लेकिन उसने कुछ दिन पहले इस सिटी को छोड़ दिया है और दूर पहाड़ी पर जाकर रह रहा है गाइस। चलो उससे बातें करते हैं वो क्या कहता है। गाइस वो पहले भी इस चीजों से फाइट कर गया है, तो आई होप उसके पास मशीन हो इससे फाइट करने के लिए। लेकिन वो रहता बहुत दूर है गाइस, तो हम लोग को बहुत टाइम लगने वाला है। ओके गाइस फाइनली हम लोग अपने दोस्त के पास आ चुके हैं। चलो इसको पूरा प्रॉब्लम बताते हैं, देखते हैं क्या सलूशन देता है। भाई तुझे पता है क्या, अपने शहर में वो एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है और वो पूरे सिटी को बर्बाद कर रहा है। कुछ सलूशन बता, नहीं तो पूरा सिटी खत्म कर देगा। ऐसा मुझे बहुत पहले से पता था, तो मैंने बिल्डिंग में 3 बिल्डिंग में कैप्सूल डाल दिए। तुम उसे कलेक्ट करो, तुम्हारे पास बहुत शक्ति आ जाएगी। ये साइंटिस्ट तो मुझे पागल लग रहा है गाइस। अगर मुझे सिटी बचाना है तो इसकी तो बात माननी पड़ेगी। तो आओ देखते हैं इसने कौन सी लोकेशन भेजी है। वेट, इसने तो वो लोकेशन भेजी है गाइस जो कि मेरे बिल्डिंग के पास में ही है। तो चलो चलते हैं गाइस अपने बिल्डिंग के बगल वाले बिल्डिंग पे, क्योंकि वहाँ अभी तक कोई मॉन्स्टर नहीं गया है। तो जल्दी से चलते हैं गाइस, कहीं ऐसा ना हो गाइस कि मेरे पहुँचने से पहले वो मॉन्स्टर पहुँच जाए वहाँ पर। तो फटाफट से चलते उस बिल्डिंग के पास। तो ऑल राइट गाइस, मैं यहाँ पे एयरपोर्ट के पास पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पर देखो गाइस, लोग गाड़ियाँ लेकर घूम रहे हैं। इनको यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे एक जॉइंट मॉन्स्टर घूम रहा है। और ये देखो इतने सारे लोग घूम रहे हैं, इनको कुछ खबर ही नहीं है कि सिटी के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मैं इस सिटी को बचाऊंगा कैसे भी करके। तो यहाँ से ले लेता हूँ राइट। तो आई थिंक यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ओ उसके पास मेरा ही घर है गाइस। तो गाइस मैं बिल्डिंग के पास तो पहुंच गया हूं, लेकिन मुझे बिल्डिंग तक जाने के लिए ना मुझे इस रैंप से होकर जाना पड़ेगा, जिसमें मैं बहुत ही नूब हूं। तो चलो यार एक बार तो मिस हो गया, दोबारा से करते हैं भाई। इस बार तो मैं कहां लेकर चला गया, तो मैं अपनी बाइक को दूर लेकर आ गया हूं। और इधर दोबारा से जंप कराते हैं, तो आई होप मैं उस रैंप तक पहुँच जाऊँ गाइस। और हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में है गाइस, इस बार तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे। ओ फाइनली गाइस हम लोग इस पे पहुँच गए। और भाई अरे नहीं नहीं नहीं, ओ भाई सिट यार, ये तो फिर से अब शुरू करना पड़ेगा। इस बार थोड़ा सोलो लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो उस पार फिर से चला जाएगा गाइस। तो आई थिंक ओ भाई भाई नीचे आ जा, ओ भाई पहुँच ही गए, ओ रुक जा, ओ भाई ठीक है बच गया गाइस। तो जल्दी से लेकर चलते इसके ऊपर और उस वाले बिल्डिंग तक पहुंचते हैं गाइस। और यहाँ पे हम लोग पहुंच गए, तो लेट्स गो। तो आप हमको सीधा जाना पड़ेगा गाइस। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस कि हम लोग ऊपर तो पहुंच गए लेकिन वो बिल्डिंग कौन सा है। तो कोई ना गाइस, मैं ऊपर चल के बिल्डिंग को देख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा कि वो बिल्डिंग कौन सा है। अरे भाई ये कैसा रैंप है यहाँ पे, तो गाड़ी नहीं चल रही है गाइस, मुझे यहाँ पे बहुत ही आराम से लेकर जाना पड़ेगा। अरे भाई उसको क्या जरूरत थी यार वो कैप्सूल यहाँ पर छुपाने की, अगर छुपा रखा है गाइस तो कोई ना कोई मतलब तो होगा। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं लोकेशन देख ही लेता हूँ कि वो कैप्सूल किस बिल्डिंग पे है। आई थिंक मुझे यही वाला बिल्डिंग लग रहा है गाइस। मैं काम करता हूँ गाइस, मैं मोबाइल निकाल के वही वाला वीडियो वापिस से देख लेता हूँ। तो वो कैप्सूल हाँ यही पे है गाइस, फाइनली यही इसी बिल्डिंग पे गाइस, मेरा गेस सही था। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही गाइस कि ये सामने वाले बिल्डिंग पे हमको जाना कैसे है। तो एक काम करते गाइस, अपनी बाइक उठाते और फिर देखते हैं। तो हम लोगों को बाइक उठा के गाइस इस बिल्डिंग पे जाना पड़ेगा और फिर यहाँ से हम लोग उस बिल्डिंग पे जा सकते हैं। तो यहाँ से ना गाइस हम लोग को बहुत ही स्लोली जाना पड़ेगा,
नहीं तो हम लोग अगर नीचे गए गाइस तो हम लोग को ऊपर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये भी हो सकता है गाइस कि हमारे शहर तक वो जाइंट मॉन्स्टर वो पहुँच जाए। तो चलो यहाँ पे हम लोग इस बिल्डिंग तक आ पहुँचे हैं, तो यहाँ से मुझे लग रहा है मुझे दूर जाना पड़ेगा गाइस। कितना दूर है यार वो बिल्डिंग, और कोई रास्ता भी नहीं यार वहाँ तक जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे इस बिल्डिंग पे पहुँच गया हूँ गाइस, तो मुझे आई थिंक ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाने में गाइस बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होगी। ये कंटेनर देखो भाई, क्या कंटेनर है यार, ऐसे कंटेनर कौन लगाता है यार भाई। तो चलो यहाँ से बहुत ही आराम से बाइक को चढ़ाते हैं गाइस, मैं यहाँ पे फंस ना जाऊँ, मेरी बाइक ना फंस जाए गाइस। तो यहाँ पे देखो गाइस बीच बीच में गैप भी है यार, हम लोग को स्लो स्लो जाना पड़ेगा वरना बाइक फंस जाएगी। अरे भाई बाइक फंस गई यार, ओके ओके ओके। तो ये रहा गाइस वो कैप्सूल, मैंने इस कैप्सूल को कलेक्ट कर लिया है, तो चलते हैं गाइस। तो और यहाँ पे ना गाइस हमारे पास दो लोकेशन और आ गई है, तो यहाँ पे मैं अपनी मोबाइल निकाल लेता हूँ और मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि वो लोकेशन कौन सी है। तो ये देखो गाइस ये लोकेशन कौन सी है, ओ ये तो सामने वाली लोकेशन है गाइस, और दूसरा ये रही। तो कोई ना गाइस यहाँ से मैं सबसे पहले निकलता हूँ गाइस, तो फटाफट से गाइस यहाँ से हम लोग निकलते हैं। अभी दो कैप्सूल और बाकी है, उसके बाद देखते हैं गाइस कि हमारे साथ क्या होता है। तो यहाँ पे ना गाइस ये रैंप ना बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है यार, अपनी बाइक ही देखो यार फंस चुकी है। चलो निकल गई बाइक। तो सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है ना गाइस, वहाँ पे दो कैप्सूल है, मतलब कि एक बिल्डिंग पे एक कैप्सूल है और दूसरे वाले पे दूसरा कैप्सूल है गाइस। तो इस वाले बिल्डिंग से गाइस हमने कैप्सूल कलेक्ट कर लिया है, और जो सामने वाली बिल्डिंग आपको दिख रही थी ना, अब उसके ऊपर चलते कैप्सूल लेने गाइस। तो आ जाओ चलते उसको कलेक्ट करने। तो ऑल राइट गाइस, हमने इस कैप्सूल के पास आ चुके हैं, तो चलो भाई इस कैप्सूल को जल्दी से कलेक्ट करते हैं और उसके बाद देखते कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो लेट्स गो, इसको उठा लेते गाइस। वेट, ये भाई भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है यार, भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है यार, भाई फ्रैंकलिन का हाइट बहुत बड़ा हो गया, ये तो एक एंट मैन बन गया गाइस। तो ओके गाइस, अपना फ्रैंकलिन बन चुका है जायंट मैन, तो अब होगा गाइस महायुद्ध। अब देख सकते हो कि कितना भयानक लग रहा है। एक मिनट गाइस, मॉन्स्टर तो मुझे तो तू मुझे लात मारेगा, ये ले अब, ये ले गाइस, ये ले गाइस, हमने मॉन्स्टर को एक ही लात में खत्म कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय बाय गाइस।